Hey guys, welcome back to Sibling Saga. और आज हम लोग आ चुके हैं आप लोगों की डिमांडिंग वीडियो, मोस्ट डिमांडिंग कह सकते हैं, वैसे तो इतनी भी डिमांड तो नहीं थी लेकिन फिर भी कहते थे मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, क्यों एन ए वीडियो के साथ, मतलब आप लोगों के क्वेश्चंस और हमारे जवाब. ओके, अगला क्वेश्चन आया है राशि शिमाली. यूट्यूब वीडियो शूट और एडिट करने के साथ साथ पढ़ाई का टाइम कैसे मैनेज करते हो? पढ़ाई कौन करता है? मैं तो नहीं करता, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, होमवर्क वगैरह कर लेते, पढ़ाई नहीं करता सही बात. भव्या शर्मा, हेलो टू बोथ द ब्रिलियंट क्रिएटर्स. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच. ओह माय गॉड, इतनी खुशी मुझे आज तक. वर्ड्स फील लाइक हेवन. माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर्सनालिटी और शुड बी अ पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ? यस ऑफ कोर्स, स्पोर्ट्स तो करना ही चाहिए आपको डेली लाइफ में, कम से कम और कुछ नहीं तो हल्की फुल्की वॉकिंग रनिंग तो होनी चाहिए फिजिकली. हाउ डिड यू थिंक ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, दिमाग ब्लॉक्स? डिड यू हैव प्रॉब्लम इन कन्विंसिंग योर पेरेंट्स फॉर दिस? आई लव योर वीडियोस, कीप इट अप. नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई थी, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई थी पेरेंट्स को कन्विंस करने में. हमारे पेरेंट्स ही बहुत सपोर्टिव, आप देख रहे हो हमारे खुद के चैनल में. मम्मी तो स्पेशली, मैं भी आऊंगी, मैं भी मम्मी का अच्छी वीडियो हो चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, मम्मी को पहले से अंदाजा होता था ये वीडियो अच्छी है, तो उसमें फिर मम्मी कैसे भी करके आई. और मम्मी जिस वीडियो में होती है उसमें व्यूज भी ज्यादा है, वंडरफुल वीडियो. वन सेकंड, माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, कलर एंड ऑल? तो मेरा फेवरेट फूड है पाव भाजी, खिचड़ी, स्प्रिंग रोल्स एंड लाटे. लाटे क्या होता है वही बताओ. कॉफी होती है, कॉफी एक काइंड ऑफ कॉफी. वो फूड है कि वो ड्रिंक है? वो उसने ड्रिंक वगैरह सब पूछा ना. तो फेवरेट कलर, तो फेवरेट कलर मेरा है ब्लैक और वाइट, ये दो कलर. मेरा फेवरेट कलर है रेड. और क्या फेवरेट फूड खिचड़ी है, बिरयानी मतलब जो भी कहते हैं, और पाव भाजी जितनी भी ऑलमोस्ट सारी पसंद है सिवाय करेले के, मुझे सब पसंद है. और उसके अलावा हम बात करूँ फेवरेट ड्रिंक की तो वो है शिकंजी और नो डाउट और कुछ बस अभी कुछ याद ही नहीं. अब अगला सवाल है योगेश्वरी चौहान, जो मेरे साथ पढ़ती है हमारे कॉलेज में. तो योगेश्वरी जी ने कमेंट किया है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? हम हमारी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते? यूट्यूबर बनना चाहते हैं. नहीं यार, बीएससी बीएड कर रहा हूं, तो एक एज मेरा टारगेट है एज ए टीचर, मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाना और एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बेस्ट है. तो क्या करना चाहती है? देखते हैं जिंदगी जहाँ ले जाएगी वही कुछ करते हैं. शिफा लीवाल का पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर डू यू स्टडी ब्रो? आई स्टडी इन सेकंड ईयर बीएससी बीएड बीसीजेड और कॉलेज में बताइया ब्लॉग में से नागर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. ओके, उसके बाद उन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज यू गॉट इन 10th एंड 12th क्लास? मैं बता देती हूँ, 10th में भैया को मिले 91.33% एंड 12th में मिले 90% और मेरे 10th में आए थे 96.67%, तो मेरे ज़्यादा है. What you and Dhruva want to be in your future? देखते जा ठाकुर जी की इच्छा होगी वहाँ लग जाएंगे, बस बात करता हूँ. ये फ्यूचर विचर मत करो यार, प्रेजेंट में जी लो, थोड़ा इन्जॉय कर लो, है ना. अगर मनस्वी दीदी ने, ये तो क्वेश्चन नहीं है, तो कॉलेज वीडियो हम जरूर करना चाहेंगे आपके साथ कॉलेज. मनस्वी दीदी, क्वेश्चन आंसर की क्या जरूरत है जब सभी सवालों के जवाब सैटरडे को मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल चुके हैं आपको अपने सवालों के जवाब. आई थिंक वी शुड प्लान फॉर कॉलेज वीडियो नाउ. हम तो कब से तैयार हैं, जानिए आप कब तैयार होंगे हमें जरूर बताना. हम तो हमेशा से मेरे गोपाल के साथ कॉलेज करना मेरे को, तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. ओके ओके, क्या पूछ वाला, कैन यू डू 20 पुशअप्स? रियली 20 पुशअप्स? वैसे तो ये कोई डेयर वीडियो नहीं है, लेकिन अब आपने क्वेश्चन पूछा है तो अब तो करके ही बताते हैं. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. सो इस मजाक की बात साइड में, अब मैं एक बार आपको सीरियसली लगा के बता देता हूँ. लो चलो आगे का शूट करते हैं. लो भैया जल्दी आगे चल करेंगे, मैं तैयार हूँ फटाफट. क्या चालू रखा है? ये बंद करोगे?
ओके गाइस 20 पुशअप्स तो हो चुके हैं और आपने देख भी लिया कि हमसे कैसे लगते हैं, बट हाँ लगा लिया हमने जैसे तैसे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पंकज भाई का फ्यूचर प्लान क्या है? भरा यार कितनी बार पाए यहाँ भाई लोग आपको, जिधर ठाकुर जी की इच्छा होगी उधर उस लाइन में अपन घुस जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं सोचते। प्रियंका दीदी, आप अभी तक की लाइफ का ऐसा मोमेंट जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए हो? गाइस मैं तो तब खुश हुआ था जब मैं मतलब अंडर 12 स्टेट चैंपियन बना था ड्राइंग में, मतलब ड्राइंग में मेरी स्टेट में फर्स्ट रैंक आई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, मुझे वो बैंक की तरफ से टैबलेट दिया गया था। ज़्यादा खुशी हुई जब मेरा 10th बोर्ड का रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका दीदी का ही दोबारा से, ऐसी क्वालिटी एक दूसरे की जो आपको बहुत पसंद हो? तो गाइस मुझे तो दुर्गा की कौन सी क्वालिटी, मुझे पढ़ने की क्वालिटी अच्छी लगती है, मतलब इससे जो प्रोडक्टिविटी निकलती है मतलब एक घंटे की वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तेरे को मेरी कौन सी अच्छी लगती है? मुझे भैया कैसे कोई खास तो कुछ है, बट द वे ही एक्सप्लेन समथिंग वो अच्छी लगती है। फिर अगला कमेंट वापस से है, प्रियंका दीदी का ही एक कॉमन चीज जो दोनों को पसंद हो और आप बस में लड़ाते हो उसके लिए, एक नमकीन की फांकी की कीमत, तुम क्या जानोगे? वो इंस्टा पर जो क्वेश्चन आए हैं हमें, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एंजॉय मोर इन कॉलेज और इन स्कूल, जिन्हें भैया ने कमेंट किया है। तो देखो मैंने तो दोनों जगह एंजॉय किया, स्कूल लाइफ में अलग इंजॉयमेंट था, कॉलेज में अलग इंजॉयमेंट है, कॉलेज में घूमने फिरने का मजे लेने का अलग इंजॉयमेंट है, स्कूल में दोस्तों के साथ थोड़ा अलग माहौल था, अलग इंजॉयमेंट है, दूसरा तो अभी कॉलेज में नहीं है, नहीं है। अगला लॉयल श्री ने कमेंट किया, शूटिंग कौन करता है? तो शूटिंग हमारा मोबाइल करता है। और कौन सा कैमरा है? मोबाइल का ही कैमरा है, सस्ता सा। और भव्यांशु शिमाली, तेरी बंदी का क्या नाम था? ये नाम को छोड़ के भाई कितनी बार बताऊँ यार, कुछ गलत नमक छिड़कते हो, हम अभी भी सिंगल हैं, सिंगल ही रहेंगे, 36 आएंगे 36 जाएंगे, मेरी वाली मम्मी लाएंगी। मजबूती देख रहे हो लौटने की? आपन भाई पिघलते नहीं है भाई। और अगला आया है मेघना की तरफ से, फेवरेट प्लेस। फेवरेट प्लेस तो सबसे पहले तो नाता रही है, ठाकुर जी के श्री चरणों में है हम, तो उससे ज्यादा फेवरेट प्लेस तो क्या हो सकती है। ड्रीम प्लेस अगर आप पूछे मेरी, तो मतलब जहाँ मैं घूमना चाहता हूँ वगैरह, तो जापान में एक बार जरूर जाना चाहता हूँ, मतलब सपना है कि एक बार तो वहाँ जाना ही है मेरा, है लंदन। फेवरेट फूड, तो फेवरेट फूड तो बता ही दिया मैंने, मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, उसके अलावा छोले भटूरे, मोमोज, पिज्ज़ा, सब कुछ मतलब सब खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फेवरेट कंट्री, और फेवरेट सॉन्ग तो सभी को पता है, सेल्फी मैंने ले लिया आज ही, मेरा फेवरेट सॉन्ग चल झूठा मजा करो गाइस, मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरी मिट्टी, वो अक्षय कुमार वाला, बहुत मस्त गाना है। एंड नाउ फाइनली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें भेजे गए एक ही अकाउंट के द्वारा, फैन क्लब चैलेंज टू रीच 1000, ये जो भी है सब्सक्राइबर हो, इसमें पूरा नहीं दिख रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन भेजे और इन्होंने कहा है कि रैपिड फायर में आंसर देना, तो ठीक है हम रैपिड फायर में ही देंगे। मोस्ट इंबरेसिंग मोमेंट, मैंने मेरी क्लास में गैस पास कर दी थी, वो भी जोर से, मुझे लगा था धीरे से निकलेगी, लेकिन वहाँ धमाका हुआ बड़ा जोर से। मेरा साथ में ऐसा होता है कि हम दोनों एक शादी के अंदर गए हुए थे, वहाँ पे काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो चाउमीन वगैरह कुछ थी, तो सब लोग ऐसे चम्मच के लिए लड़ाए थे, और चाउमीन उस जो भी बर्तन होता उसमें बची बहुत कम थी, तो मैं काफ़ी आशा से खड़ी थी काश मुझे चम्मच मिल जाए, और इतने में वहाँ सबके पीछे से एक हाथ आता है लंबा सा, और उसने अपने प्लेट से डायरेक्टली जो है सारी चाउमीन ले ली, तो ये ऑब्वियस था मेरे लिए, ये और कोई नहीं कर सकता है मेरे भाई के सिवा। उस वक्त मैं चुपचाप वहाँ से निकल लेना चाहती थी किसी को, ताकि ये पता नहीं चले कि ये मेरा भाई है ऐसा कुछ, पर इसने जानबूझ करके वहाँ पे चल रहा, चल आजा अपन दोनों खाते, तो यहाँ पे की लाइन में खड़े, मतलब सब लोग हमें देख रहे, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एम्बरेसिंग मोमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हैव यू एवर डन बिंज वॉचिंग? यस, तो मैंने बिंज वॉचिंग बहुत ज़्यादा करी, मैं काफ़ी ज़्यादा एनीमे देखता हूँ, मैंने 150 ज़्यादा सीरीज देखी, तो बिंज वॉचिंग तो चलता ही रहता है। आपके YouTube पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं? आपने हाइड क्यों किए हैं? तो इस वीडियो के बाद सब्सक्राइबर्स पब्लिक कर देंगे, चलो गाइस आप लोग भी देख लेना हमारे कितने सब्सक्राइबर, क्या ही छुपाना आप लोगों से, आप लोगों के साथ सब शेयर कर देंगे। आपकी सबकी चैनल पर से फेवरेट वीडियो, ऑनलाइन क्लास, प्रैंक ऑन सिस्टर, डर, ये तीन वीडियो से गाइस जो मेरी पर्सनली फेवरेट है, सबसे ज्यादा एफर्ट लगे मेरे को बनाने में। क्या आप कोई ऐप्स लाइक प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या कोई भी ऐप पर वीडियो देखते हो? इफ यस, यूट्यूब ज्यादा पसंद है या वो? तो केवल मैं हॉटस्टार यूज करता हूँ, वो भी अनुपमा देखने के लिए। हाँ मैं सीरियस देखता हूँ, कोई दिक्कत। जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसकी दिल का हाल, मिलिए अनुपमा से 13 जुलाई से रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर है मेरा टी अमित बड़ाना, भुवन राम, आशीष चंचलानी, हर्ष बनीवाल, तीसरा गाना मोस्ट फेवरेट क्रिएटर्स, और इंस्पिरेशन तो रिमरो ब्लॉग्स। आर यू थॉट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? रिमरो ब्लॉग्स। मेलोडी इतनी चॉकलेटी की, मेलोडी इतनी चॉकलेटी की, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा अच्छा तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? खुद खाओ चाहे खाओ, मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए।
स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए कोई योजना है कि हम खुद ही अभी स्मॉल यूट्यूबर से आएगी तो हम आपको जरूर बता देंगे। तो अगला है, पार्ले जी वाली बच्ची कब बड़ी होगी? तो कब से बड़ी हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है, आप न जाने किस दुनिया में जी रहे हैं। और ज्यादा पूछ लिया आई नो बट आंसर दे मैंने रैपिड फायर में। तो अभी गाइस क्वेश्चन ही थोड़ा वो वैसे थे, तो रैपिड फायर तो ज्यादा फास्ट करना मुश्किल था क्योंकि रैपिड फायर का आंसर जोन नोट होता है, बट फिर भी हमने ट्राई किया है। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चन और इनके हमारे आंसर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है नीचे कमेंट कर देना, इसका पार्ट टू आज से एक साल या दो साल बाद आ जाएगा। मजा करूँगा जितना जल्दी हो सके, देखो जितने क्वेश्चन होंगे उस पर डिपेंड करता है। तो हम आपसे मिलेंगे अगले सैटरडे बहुत खतरनाक वीडियो के साथ। ट्रेलर मैं आपको दिखाई देता हूँ, दिखा दो। चलो गाइस ट्रेलर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑलराइट हियर गो। तो देख लिया आपने ट्रेलर। अगला सैटरडे वाली वीडियो तो कत्ते ही जहर वीडियो है, तो उससे तो मिस करना ही मत, गलती से भी है ना। और बस हम आपसे मिलेंगे अगले सैटरडे पर एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक बाय, टेक कर नमस्कार।